बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28 सितंबर 2023 बरोज़े जुमेरात सैलानी वेलफेयर की ब्रांच कोरंगी 4 नंबर कराची में इस वक्त कमिश्नर कराची के और डीसी केमारी के ताबुन से सैलानी वेलफेयर चीनी सिर्फ 110 रुपए केजी में दे रही है और इसके अलावा बेशुमार चीज़ें बहुत ही रियायती नेखों में दे रही है। सैलानी वेलफेयर पिछले कई महीनों से शहर कराची में जो इस वक्त महंगाई का तूफान है उसको कंट्रोल करने के लिए, लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, तेल, आटा, चीनी, चावल और जो जो हम कर सकते हैं वो मौलाना बशीर फारूकी साहब की एक सोच के लिहाज से सैलानी वेलफेयर अपना काम सर अंजाम दे रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि सैलानी वेलफेयर क्या क्या चीज़ें दे रहा है और किस किस रेटों में दे रहा है। इसमें सैलानी वेलफेयर कमोबेश अपना 25% के लगभग जो है वो डिस्काउंट दे रहा है। अगर एक चीज़ कोई भी आपको बाज़ार में 2,500 रुपये की मिलती है तो वो सैलानी वेलफेयर 25% डिस्काउंट में कमोबेश दे रहा है। इस वक्त भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तेल के कार्टन, चीनी, आटा और दीगर चीज़ें मौजूद हैं। सैलानी वेलफेयर का मकसद ये है कि इस वक्त जो महंगाई है उसको उसमें लोगों के गमों में थोड़ा सा कमी करते हुए और उनको थोड़ी सी डिस्काउंट के साथ चीज़ें दें ताकि उनके जो बजट है वो कंट्रोल में आए। हम इसमें कमिश्नर कराची जनाब सलीम राजपूत साहब का और डीसी केमारी जुनेद इकबाल साहब का बेहद मशहूर है कि उन्होंने हमें चीनी 110 रुपए किलो के हिसाब से दी, जिसको सैलानी वेलफेयर भी 110 रुपए किलो के हिसाब से ही बेच रहा है। अच्छा, अब इसमें सैलानी वेलफेयर की कॉस्ट भी आ रही है कमोबेश 10 रुपए केजी की, क्योंकि पैकिंग है, थैली है, इसके अलावा गाड़ियों की आमदोरफ्त है, ये सारी चीज़ें कुल मिला के कमोबेश 10 रुपए केजी सैलानी वेलफेयर को उसके ऊपर खर्चा आता है जो सैलानी वेलफेयर अपने पॉकेट से दे रहा है। और 110 रुपए में जो कमिश्नर कराची ने और डीसी कराची ने चीनी दी है उसको उसी नेखों में बेचा जा रहा है। ये जो महंगाई का एक तूफान है उसमें अहले कराची के लिए एक बहुत बड़ी मदद है। सैलानी वेलफेयर हमा वक्त ये कोशिश करता है कि लोगों के दुखों को कम किया जाए, इसलिए सैलानी वेलफेयर रोज़ाना कमोबेश 2 लाख अफराद को पूरे पाकिस्तान में खाना खिलाता है। इसके अलावा 20,000 फैमिली हमने अडॉप्ट की हुई हैं जिसके महाना खर्चों में उनका हम साथ देते हैं, स्कूल की फीसें देते हैं, उनके इलाज मालिज में इनको काम आते हैं पैसे, वो हम उनको देते हैं। इसके अलावा बेशुमार चीज़ें सैलानी वेलफेयर कर रहा है। आईटी के अंदर एक बहुत बड़े तर्ज पे काम किया जा रहा है। सैलानी वेलफेयर टेम्प्रेरी काम भी कर रहा है, परमानेंट काम भी कर रहा है। अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से सैलानी आईटी के ऊपर काम कर रहा है, इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर ज़र मुबादला आईटी की सूरत में पाकिस्तान में आएगा। इस वक्त भी कमोबेश $3 बिलियन आईटी की सूरत में पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम तवक्को करते हैं 10 बिलियन, फिर 20 बिलियन, फिर 50 और फिर 100 बिलियन, जो मुल्की माशी मामलात को मुस्तहकम करेगा। मौलाना बशीर फारूकी साहब का ये विजन है कि हम हर लिहाज से इस मुल्क को फ़ायदा दें। एक वो फ़ायदा जो आर्जी है कि जो इस वक्त महंगाई है, और एक वो फ़ायदा जो कि लोगों को मुस्तकबिल में उनके कारोबार में आसानियाँ पैदा करें। एक मरतबा फिर बेहद मशहूर हूँ कमिश्नर कराची सलीम राजपूत साहब का और डीसी केमारी जनाब जुनेद इकबाल साहब का, जिन्होंने हमें 110 रुपए के हिसाब से चीनी मुहैया की है, जो हम इस आवाम को चीनी उसी प्राइस में दे रहे हैं और उसी के अंदर जो थैली और जो इसके अलावा अखराज आते हैं वो सैलानी वेलफेयर खुद बियर कर रहा है। हमारे बशीर फारूकी साहब की एक सोच है कि हम लोगों के लिए आसानियाँ मुहैया करें। सैलानी वेलफेयर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम सैलानी के वजह बाजार 4 नंबर पर आए, यहाँ पर बहुत बचत हो रही है। बाहर जो चीनी हमें मिल रही है 180 रुपए किलो, वहाँ 110 रुपए किलो दी गई है। यहाँ गरीबों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है यहाँ पे, और मज़दूरों को भी बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है, और माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको बहुत दे और हम गरीबों के लिए बहुत तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मौलाना बशीर फारूकी अब गए कि जिन्होंने जो है ये बचत बता लगाया और जो है हम जैसे सपोर्ट कोच लोगों को ये रिलीफ मिला।